ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ। तो देखिए, जब ये धमाका हुआ उससे पहले ही अंदेशा जताया जाने लगा था कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, हादसे बेकाबू होती हुई जा रही हैं। और ऐसे में उसके बाद पुलिस और रेंजर्स की टीम वहां से लोगों को पीछे हट जाने की बात कहते हुए नजर आए, और उसके बाद जोरदार धमाका। और वो धमाका ऐसा जो काफी देर तक पूरा इलाका उससे थर्रा गया, और आग की लपटे शोले उठते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, डरा देने वाली तस्वीरें ये पाकिस्तान के कराची से सामने आई है, जहां पर पुलिस मुख्यालय में बीते 3 घंटे से एनकाउंटर हो रहा है। कराची में फिदायीन ने खुद को उड़ा लिया है। 10 की संख्या में आतंकी दाखिल होते हैं इस हेडक्वार्टर में और किस तरह से उत्पात मचाते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये पूरा ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में है, जहां पर 3री मंजिल पर फिदायीन हमला हुआ है। आतंकी ने खुद को उड़ा लिया है बम से, और बिल्डिंग में बड़ा धमाका हुआ है। इमारत पूरी तरह से खत्म हो गई है। वो इमारत जो इस वक्त कही जाती थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई शिकायत हो तो वहां पर पहुंचा जाएगा, कराची में उस इमारत को टारगेट किया गया, और इसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है, तहरीके तालिबान पार्टी ने ली है, पाकिस्तान ने ली है। और ये समझिए, तहरीके तालिबान को लेकर लगातार आगाह किया जा रहा था, नेशनल ही नहीं पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी कई रिपोर्ट टीटीपी को लेकर कही जा रही थी कि टीटीपी पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, और अगर उस पर लगाम नहीं लगाया जाता है तो हालात और ज्यादा बद से बदतर पाकिस्तान में हो सकते हैं। और अब वही होता हुआ नजर आ रहा है, किसी भी देश में, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में आतंकी हमला होना, इसको कभी भी एंडोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन ये स्थितियां, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। हेडक्वार्टर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं और बिल्डिंग के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आप ये समझिए कि एक तरफ इमारत को अंदर से पूरी तरह से खाली कराया गया है। जानकारी है कि पहला माला और दूसरा माला पूरी तरह से साफ किया गया है रेंजर्स और पुलिस कर्मियों के जरिए, लेकिन तीसरे माले पर फिदायीन ने धमाका किया, और अब कहा जा रहा है कि चौथे माले पर आतंकी हो सकते हैं। लेकिन क्या इस धमाके के बाद कोई आतंकी यहां पर बचा होगा? ये ऑपरेशन के बाद तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त कराची में फिदायीन ने खुद को उड़ा लिया है। अंदर और बाहर की तस्वीरें बता रही हैं कि दहशत का माहौल है। वो पाकिस्तान जो हर फ्रंट पर असफल है, एक और असफलता की तस्दीक करती हुई तस्वीरें सामने आ गई है कराची से, जहां पर कराची हमले की ये तस्वीरें बहुत खौफ से भर देती हैं, चिंता में डाल देती हैं उस पाकिस्तान को जो हर मोर्चे पर विफल है। गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। गुलाम, अभी क्या अपडेट? गुलाम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो चार तस्वीरों से पहले मैं दिखा देती हूं। इन चारों तस्वीरों में हर एंगल से ली गई तस्वीर बताती है कि किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से अब आतंक की जद में आ चुका है। वो पाकिस्तान जो अपने आप को हर बार उस आतंकवाद से बचाने के तमाम पैतरे आजमाता था, एक बार फिर से बता रहा है कि किस तरह से वो इसके दंश से बुरी तरह से प्रभावित है। TV9 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हेडक्वार्टर के अंदर की तस्वीर, बाहर की तस्वीर और उस धमाके की तस्वीर, जो बताती है कि पाकिस्तान में ये जो धमाके के बाद रोशनी हुई है, ये एक और बड़े अंधकार की ओर पाकिस्तान को ले जाएगी। कराची में ये तस्वीरें बहुत डराने वाली है उस अवाम को जो पहले से ही त्राहिमाम है, परेशान है, हर फ्रंट पर जिसे नाकामी मिल रही हो उसके लिए एक और घटना जुड़ गई है अब ये सोचने के लिए कि पाकिस्तान का अब आने वाला भविष्य कैसा होगा। जानकारी जो आ रही है, डिटेल जो आ रही है पुलिस मुख्यालय में, बीते 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया एनकाउंटर जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर 3 आतंकियों को रेंजर्स और पुलिस ऑफिसर्स ने मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन सिविलियंस की भी जान गई है। कहा जा रहा है कि रेंजर्स और साथ ही साथ पुलिस के जो जवान हैं उनके भी घायल होने की खबर आ रही है, और एक सफाई कर्मी, एक के साथ जानकारी 2 सफाई कर्मियों की मौत की खबर भी मिल रही है। तो ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, अभी फैक्ट्स आने बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो बता रही है कि इस वक्त बिल्डिंग में बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन इस धमाके की गूंज कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में हुई है। और TTP वो आतंकी संगठन जिसको इमरान खान की सरकार किस तरह से सपोर्ट करती रही है, और वो TTP जो बताता रहा कि इमरान खान अब इस तरह से आपको झुकना होगा कि आप हमारी मजबूरी बन चुके हैं, उस TTP के लिए ये सब करना बताना है कि किस तरह से शहबाज सरकार अब संभल जाओ नहीं तो आगे अंजाम भुगतना होगा। TTP अब खुली चुनौती देती हुई नजर आ रही है शहबाज सरकार को इस पुलिस क्वार्टर पर अटैक करके, और साथ ही
जो इस वक्त सिविलियंस को लेकर जानकारी मिल रही है, नुकसान हुआ है, जो पुलिसकर्मी इस वक्त प्रभावित हुए हैं और सफाई कर्मी मारे गए हैं, वो ये साफ बता देना चाहता है कि हमारे इरादों से चलोगे तो सब सही रहेगा और अगर इधर उधर जरा सा भी भटके तो फिर हश्र ये होगा। इस तरह के धमाके, इस तरह के आतंकी हमले किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान अब इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेगा, कितनी देर में ऑपरेशन खत्म होगा, तमाम अभी जानकारियां जुड़ाने की कोशिशें हो रही है। लेकिन गुलाम अब्बास सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। गुलाम अब्बास बता रहे हैं कि किसी भी वक्त अब ये ऑपरेशन अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच सकता है, क्योंकि 4 मंजिला ये हेडक्वार्टर की इमारत है, जिसमें इस वक्त 3 मंजिल तक पूरी तरह से इस इलाके को क्लीन कर दिया गया है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो अभी भी सामने आया है वो ये कि 3रे माले पर ही ये फिदायीन हमला हुआ है और 4था जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर आतंकियों के होने की संभावना है। ऐसे में कितना वक्त लग जाएगा कह पाना बहुत मुश्किल है। बिजली इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। इस वक्त पूरा का पूरा कराची हाई अलर्ट पर है। TTP ने हमले की जिम्मेदारी शुरुआत में ले ली थी, लेकिन उसके बाद TTP की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो एक बार फिर से आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें हमले की, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर और फिर 4थी तस्वीर। 7 और आतंकियों के साथ पाक रेंजर्स की मुठभेड़ चल रही है। कराची में फिदायीन ने खुद को उड़ा लिया है, लेकिन इस धमाके में क्या बाकी आतंकी भी मारे गए हैं, इसका खुलासा अभी होना बाकी है, जिसको लेकर रेंजर्स और पुलिस के जवान आगे बढ़ रहे हैं। कराची में ये आतंकी हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 पर आप देख रहे हैं। कराची में आतंकी हमला हुआ है 7:10 शाम के 7:10 पर। लगभग 10 की संख्या में एक गाड़ी में सवार होकर आतंकी आते हैं और दाखिल होते हैं इस हेडक्वार्टर के अंदर, और उसके बाद शुरू होता है वो सिलसिला जिसका अभी तक अंत नहीं हो पाया है, वो सिलसिला जिसमें दहशत है, खौफ है और सिर्फ ऐसी तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान पर एक बार फिर से बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। पुलिस मुख्यालय में बीते 3 घंटे से एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर जारी है, कितने आतंकी मौजूद हैं सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, अभी एग्जैक्ट फिगर आना बाकी है। कराची में फिदायीन ने खुद को उड़ाया है, वो भी 3री मंजिल, हेडक्वार्टर की 3री मंजिल पर। लेकिन क्या बाकी आतंकी भी उस फिदायीन हमले में मारे गए हैं, ये अभी जानकारी सामने आना बाकी है। TTP ने जरूर हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इंतजार है कराची पुलिस की तरफ से भी उस बयान का जिसमें तमाम डिटेल्स आए। शायद मुमकिन है कि जब ये पूरा ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद वो इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर कितने बजे ये आतंकी दाखिल हुए, कितनी उनकी संख्या थी, किस तरह से उन्हें काउंटर किया गया। लेकिन एक पुलिसकर्मी और 2 सफाई कर्मियों के इस हमले में मौत की खबर आ रही है, जिसमें 9 से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि लोग घायल हुए हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है। किसी भी हमले में, किसी भी टेररिस्ट अटैक में सिविलियंस को टारगेट करना ये बताता है कि अब अमानवीयता जो है वो पार हो चुकी है, वो चरम पर है, और वो आतंकी जो अपने लिए जिहाद की बात को सबसे ऊपर रखते हैं, उस जिहाद के नाम पर वो किस तरह से आम लोगों का, जिनकी जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी मौत के घाट उतारने से बाज नहीं आते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त कराची पाकिस्तान से सामने है। ये इमारत के बाहर किस तरह से बड़ा धमाका होता है। गुलाम अब्बास हमारे साथ। गुलाम, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है? देखें, अभी थोड़ी देर पहले ये बताया गया है कि फायरिंग का सिलसिला रुक गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को अब अंदर बुला लिया गया है। तो इट्स मीन ये कि हो सकता है कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को अंदर बुलाने का मतलब यही समझ में आता है कि अब शायद ऑपरेशन कम्प्लीट हो गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा कि कहीं पर कोई माइंस या बम या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो उसको देखा जाएगा। तो अभी लगभग 3 घंटे बाद ये उम्मीद हो गई है कि शायद ऑपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जहाँ से अब सर्च ऑपरेशन किया जाए और उसके बाद देखा जाए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पूरी बिल्डिंग को क्लियर करे और उसके बाद हो सकता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आए और बताया जाए कि आज की इस टेररिस्ट अटैक में क्या क्या नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल आ रही है उसके मुताबिक जो पुलिस ऑफिशियल्स थे। गुलाम अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन आपने जो जानकारी दी कि मुमकिन है कि अभी ऑपरेशन अंतिम पड़ाव में हो, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। TV9 भारतवर्ष।
सर्च ऑपरेशन जारी है, मिशन कंप्लीट हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज, सर्च ऑपरेशन जारी है लेकिन ये मिशन कंप्लीट हो गया है। कराची में मिशन खत्म हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमलावर ने थर्ड फ्लोर पर खुद को उड़ा लिया है और साथ ही मुमकिन ये है कि बाकी आतंकी भी इसकी जद में आए हों।